IVTV देखता है इंडिया। चक्रवाती तूफान यास को लेकर के उड़ीसा के बालासोर से बंगाल के दीघा तक में जो भी तटीय क्षेत्रों पर लोग हैं उन्हें हटा करके सुरक्षित स्थान पे जो है ले जाया जा रहा है। लेकिन यास जो साइक्लोन है इसका असर झारखंड के साथ साथ बिहार में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में सुबह से ही हल्के हल्के बारिशें और हवाएं चल रही है। आपको बता दें जिस प्रकार से साइक्लोन के बारे में बताया जा रहा है इसको लेकर के पटना के जो मौसम विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी जो है जानकारियाँ दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज तमाम जो जिला हैं उनके जिलाधिकारी और SP के साथ उन्होंने बातचीत की है और ख़ास करके कई दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तूफान और भारी बारिश से जान माल को जो है कम से कम नुकसान हो और लोगों को अधिक से अधिक जो है बचाया जा सके। और यास तूफान को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र ने भी कई तरह की चेतावनी जारी किए हैं, कई तरह के गाइडलाइन दिए। हम आपको बताना चाहेंगे मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार यह कहा गया है जो गया औरंगाबाद रोहतास के जिलों में गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुरुवार दोपहर के बाद से उत्तर बिहार में किशनगंज पूर्णिया से लेकर कोसी और मिथिलांचल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार के शेष जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि बिहार लैंड लॉक स्टेट है तो यहाँ आते आते हवा गति धीमी हो जाएगी और इससे नुकसान भी कम से कम हो सकेगा। वैसे मौसम विभाग के द्वारा लोगों से अपील भी किया गया है, लोगों को कहा गया है जो घर से तेज हवा और बारिश चलने के बाद घर से नहीं निकले और जो बिजली के खंभे हैं टेलीफोन के खंभे हैं और पेड़ के नीचे लोग नहीं रहें, लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, लोग घर से बाहर नहीं निकलें और साथ ही कहा गया है पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और खेत खलिहान में अनाज हो तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। तो बिहार सरकार के तरफ से जो है तमाम एहतियात बरता गया है, बिहार सरकार के मौसम विज्ञान केंद्र के तरफ से भी जो है सरकार के तरफ से भी जो है कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं जो इस तूफान से जो है डरने की जरूरत नहीं है, बचने की आवश्यकता है। लेकिन बिहार में इस तूफान झारखंड के रास्ते जो तूफान आने की संभावना है साइक्लोन यास या कहीं ना कहीं बिहार में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना में सुबह से ही हल्की हल्की बारिश और हवाएं चल रही है। लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है जो 27 से 30 मई तक का जो समय है वो बिहार के लिए कहीं ना कहीं खास रहेगा क्योंकि बिहार के सभी जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तमाम जिलाधिकारी और SP से वर्चुअल जो है उन्होंने मीटिंग की है, जिलाधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं, NDRF टीमें भी तैनात की गई है। बाकी देश दुनिया तमाम खबरों आप देखते रहें IVTV।